हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम भैया नहीं अच्छे हैं, तबीयत मेरे चेहरे पर देख सकते हैं, हम लोग सूजन आ चुकी है, मरने वाले हैं बहुत जल्दी से। तो फ्रेंड, हमने बताया कि तबीयत नहीं ठीक है मेरी, पैर में बहुत प्रॉब्लम है। दवाई गए थे लेने तो बताया है पैर में कि प्लास्टर चढ़वाओ, पैर की हड्डी है टूटी, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें हम बता नहीं सकते आप लोगों को। अभी हमने प्लास्टर लेकिन नहीं चढ़वाया है, देख सकते हैं पैर में सूजन है, सूजन ख़त्म नहीं हो रही है, दवाई भी खा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल गए थे, आप लोगों ने हॉस्पिटल का ब्लॉग देखा होगा। और ब्लॉग में हमने ज़्यादा मतलब लंबा ब्लॉग नहीं बनाया था, गए थे जहाँ तक दिखा पाए तहाँ तक दिखाया था आप लोगों को, लेकिन पूरा हम नहीं दिखा पाए थे क्योंकि हर जगह तो एंट्री होती नहीं, कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। तो एक्सरा वो लिखा था तो हमने एक्सरा भी करा लिया है और एक्सरा आप लोगों को दिखाएंगे अभी हम, एक्सरे में क्या है। आप कुछ आप लोग झूठ समझ रहे होंगे तो हम हकीकत भी आप लोगों को दिखाते हैं। इतना महंगा हॉस्पिटल है मान लो, लेकिन एक्सरा चलो हमने करवा लिया, जो दवाई वाई लिखी थी वो भी कर ले आए थे। और प्लास्टर चढ़वाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैंने अभी प्लास्टर नहीं चढ़वाया था, इतनी व्यवस्था घर से करके नहीं ले गए थे कि हम प्लास्टर चढ़वा लें, और पहले सोच समझ के करना पड़ता है क्या करें क्या नहीं, तो इसीलिए हमने अभी नहीं चढ़वाया है। तो अब लग रहा है कि प्लास्टर चढ़वाना ही पड़ेगा, सूजन कम नहीं हो रही पैर की, और सब लोग बता रहे हैं कि चढ़वाना ही पड़ेगा तभी पैर होगा ठीक। तो दवाई खा रहे हैं, दवाई से आराम नहीं लग रहा है, और मुंह पे सूजन भी आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, सूजन आ रही है मुंह पे और चक्कर भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आज हम सुबह से खाना बना के खा के लेट गए थे दवाई खाकर, तो दिन में उठे हैं ढाई बजे लगभग। तो हमने सोचा लो ब्लॉग नहीं है, आप लोगों को बताते हैं, और जब से करवा लाए हैं तो दिखाया भी नहीं था एक्सरे आप लोगों को, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो हस्बैंड जी भी बैठे हैं टेंशन में, क्या कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और भैया टेंशन में बहुत ज़्यादा है हम इस समय, टेंशन से मूड खराब है क्योंकि भाभी जी के पैर में आ गई है दिक्कत, इनके एक साइड की उंगली की हड्डी टूट गई है, उसको दिखाना है, उसमें प्लास्टर लगवाना है, डॉक्टर ने बोल दिया है लगवाना पड़ेगा। तो उसी विषय में चर्चा हो रही थी, कब लगवाएं, कल लगवाएं, परसों लगवाएं, तो उस हिसाब से बहुत जल्द हम लोग लगवाने वाले हैं प्लास्टर, चल तो लेते हैं लेकिन लग जाएगा तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। थोड़ी दिक्कत आ रही है, अभी नाच वाच की वीडियो नहीं बना पाएंगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। आप लोग मैनेज करते रहो, हमारे चैनल से जुड़े रहो, हमको देखते रहो हमारे वीडियो, और जब ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए, ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम, आप लोग भी करना, आप भाभी के चाहने वालों मिल देंगे आपसे। तो फ्रेंड, हमने इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं, और शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, डांस वाले प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, और बनाने को तो हमने बनाए हैं आज लगभग 13-14 दिन हो गए हैं पैर में चोट लगे हुए। तो थोड़ी जब आराम मिल जाता था तो हम वीडियो बना देते थे डांस करके, लेकिन अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल दिक्कत हो रही है, तो हम डांस वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो बनाने की। फ्रेंड पीछे देख सकते हैं पन्नी टंगी है, इतनी सारी दवाई पड़ी है इसमें, और दवाई वाली ही पन्नी है। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा दिखाते हैं, एक्स्ट्रा का रखा है पन्नी में है, निकालो। तो फ्रेंड पन्नी में रखा है, इसमें दवाई इसमें रखा है, इसमें एक्स्ट्रा रखा है, इसमें फ्रेंड दवाई रखी, बहुत खा के चक्कर आता है, मार्च पर दवाई नहीं खाएंगे, कल सीधा डॉक्टर ही करवाते हैं। तो
नान भी खाए। आप लोग देखिए हम लोगों ने यहाँ से करवाया है, बहुत बड़ा। आप लोग झूठ मानते होंगे लेकिन तो ये देखिए फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं इसमें मेरा नाम ही पड़ा है। ये देख सकते हैं मेरा नाम पड़ा है और आप लोग झूठ मानते हैं तो ये देखिए तारीख भी डेट पड़ी है 11 है ना 11। ये भैया रामा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा अस्पताल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने इनका एक्सरे निकलवाया, डॉक्टर को दिखाया है तो इनकी जो है उंगली की हड्डी टूटी हुई है, उसमें प्लास्टर लगवाना पड़ेगा, तो वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कृपया मोड़िए नहीं, तो मोड़ना नहीं इसको, नहीं मोड़ेंगे। अच्छा और ये देखिए भैया फ्रेंड, आप लोगों को दिखाते हैं, ये एक्सरा पॉजिटिव आया है। जाइए फ्रेंड, आप लोगों को लाइट पड़ रही है ना फॉक्स, तो इसमें तो मेरा ही फोटो नजर आ रहा लग रहा है, लेकिन तब भी पूरी दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसे दिखाओ नीचे, और नीचे थोड़ा करो फ्रेंड। ये देखिए दूर से बताएंगे क्योंकि अभी उसमें उंगली नहीं लगाना है। ये वाली जो हड्डी है, उंगली को दिखा रहे हैं जहाँ पर, तो वही हड्डी यहाँ से देखिए यहाँ से खसक गई है, यहाँ से दिख रही है आप लोगों को। तो भैया ये है, अभी आगे से दिखाते हैं। तो ये है, मैंने दिखाया आप लोगों को, देखते हैं आगे से समझ में नहीं आ रहा, इधर से दिखाओ जरा। देखो हस्बैंड जी देख रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है ना, वो दिख नहीं रहा, फोटो आ रहा है, ज़्यादा से नहीं देख। आप ये वाली उंगली है ना, ये वाली, ये कहाँ पे है यार, ये वाली कुछ दिक्कत में है। कौन सी वाली, उल्टा देख रहे हो क्या? हाँ उल्टा देख रहे हो, ये वाली है, अब दिखती है ये वाली उंगली जो है ना, इसमें प्रॉब्लम है। ये टूटी तो नहीं लग रही है, खसकी लग रही है, लेकिन डॉक्टर हम क्या जाने भाई, हम लोग थोड़ी ना जानते हैं कुछ, डॉक्टर जानते हैं, डॉक्टर जाने क्या है क्या नहीं। तो वो बता रहे हैं टूटी है, प्लास्टर चढ़वाना पड़ेगा। तो चलो छोड़िए मुझको, ये वाला तो आया एक्सरा है, ये निकलवाए थे, तो अब हम दिखाएंगे। ठीक है भैया, जब प्लास्टर हो जाएगा, जब प्रभाग ले आएंगे तो आप लोगों को ब्लॉग जरूर डालेंगे। तब तक आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। और हम बताएं कि उस हॉस्पिटल में हम नहीं दिखाएंगे जिसमें अभी ये करवा के लाए हैं, अब हम जाएंगे दूसरे में, क्योंकि हमें उसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और बहुत महंगा हॉस्पिटल है भैया, तो हम नहीं करवा पाएंगे वहाँ। और देखते हैं दूसरे हॉस्पिटल में क्या बताते हैं, पहली बार एक दो में दिखा लेना चाहिए, तो हम दूसरे में जाएंगे उसमें क्या बता रहे हैं क्या नहीं मालूम पड़ जाएगा। तो कल जाएंगे देखते हैं, कल चलेंगे हैं, कल जाना है भैया, हमें बड़ी टेंशन हो रही है, हम तो परेशान है बीमारी बीमारी से, दिमाग खराब हो चुको है, दिमाग खराब हो चुको, क्योंकि अभी तक तो हम इनका इलाज करवाते रहे, इनको कुछ थोड़ी राहत मिली तो हमारे ऊपर, तब भी हम 15 दिन तक, लगभग 14 दिन हो गए हैं, 14-15 दिन हम यही वो टाले रहे कि चोट लगी है तो आराम मिल जाएगा, ये ट्यूब लाओ वो ट्यूब लाओ, चोट मोच के चक्कर में, मोच के चक्कर में इतना 14-15 दिन टाइम निकल गया कि मोच आई है, सब लोग कह रहे मोच आई है पैर में, ट्यूब भी लाते रहे और जो चीजें होती लगाने वाली, सब कुछ किया गया जो करना था करना। लेकिन जो हड्डी अंदर से टूटी हुई है एक्सरे में साबित हो गया, साफ दिखाई दे रहा है उसमें, और डॉक्टर साहब से दूसरी जगह जाएंगे, कल हम सरकारी में जाएंगे वहाँ भी दिखवा लेंगे कानपुर में, तो जो हम आगे जाएंगे अस्पताल में लेकर के इनको, तो आप लोगों को ब्लॉग मिलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है हमारे लिए इस समय, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।